हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। आज 22 अप्रैल है, तो आज की बिना देर किए हुए हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ पर चर्चा कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। संडे को अच्छा ऑफ रहता है, इसलिए हम लोग संडे की भी करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन्हें आज के दिन ही कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। एक बात और है कि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स आपको कवर कराया जाता है, हम लोग पहले एक डिटेल्ड करंट अफेयर्स को देखते हैं, फिर उसी से जुड़ा हुआ एक एमसीक्यूज भी आपको देते हैं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे। तो यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो फिर आपको आगामी एग्ज़ाम में जब भी आप बैठेंगे, तब आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस से आपको मिल जाएंगी। बशर्ते आपको डेली क्लासेस में अटेंड होना है, पूरी क्लासेस को देखना है और अपना जो है शॉर्ट नोट्स क्लास के साथ साथ में तैयार करते जाना है, ताकि उनका मल्टीपल रिवीजन कर सके हमारा। तो चलिए देखते हैं, पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सोमपेन जनजाति इन दिनों चर्चा में है। कारण क्या है कि सोमपेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। तो पहला फैक्ट तो यही याद रखना है, किस जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है, तो सोमपेन जनजाति ने। अब ये सोमपेन जनजाति के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से आपके पीसीएस एग्जाम में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो भी इसी तरीके के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, किस जनजाति समूह से ये बिलोंग करते हैं, और भी जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस जनजाति से जुड़े हुए। तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सोमपेन जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स PVTG का ये हिस्सा है। तो ये पहला तथ्य आपको याद रखना है इस जनजाति के संदर्भ में। दूसरा, यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करते हैं। तो उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है कहाँ कहाँ पर ये निवास करते हैं सोमपेन जनजाति, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे निचला हिस्सा है ग्रेट निकोबार द्वीप, यहीं पर इस जनजाति का निवास देखा जाता है। यह जनजाति मंगोलाइड नरजाति समूह से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सोमपेन जनजाति की अनुमानित संख्या लगभग 229 थी। ये शिकार और खाद्य संग्राहक हैं, ये जंगली सुअर, अजगर, मॉनिटर छिपकली, मगरमच्छ आदि का शिकार करते हैं। कुल मिला के शिकार करके जो है अपना जीवन यापन करते हैं, अर्ध खानाबदोश जीवन जीते हैं और किसी परिभाषित आरक्षित वन में एक ही जगह पर बस्तियाँ बनाकर नहीं रहते, यानी ये घुमंतु किस्म की जनजातियाँ हैं, कभी यहाँ रहते हैं कभी किसी दूसरी जगह रहते हैं और शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सोमपेन जनजाति के संदर्भ में। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, सोमपेन जनजाति के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। चार आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है, यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है, वे पूर्वोत्तर भारत में निवास करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, वे मंगोलाइड नरजातीय समूह से संबंधित है। और चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वे पूर्वोत्तर भारत में निवास करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और आपसे यहाँ पर गलत ही पूछा जा रहा है, क्योंकि सोमपेन जनजाति कहाँ पर निवास करती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे निचला द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप, यहाँ पर इसका निवास स्थान देखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोग इसे याद रखिए। और अब आपको चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी जितनी जनजातियाँ हैं उनके बारे में आप लोग गूगल करके सर्च करके देखिए, वहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष से जुड़ी हुई। कारण क्या है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष ने IBUS नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने $200 मिलियन का यहाँ पर निवेश किया है। तो ये क्यों चर्चा में इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के बारे में, इससे जुड़े हुए तथ्य कि कब इसकी स्थापना हुई थी, किस प्रकार की ये कंपनी है, क्या इसका उद्देश्य, क्या कार्य है। यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे भी गए हैं इकोनॉमिक सेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बन जाता है। तो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में किया गया था। ये याद रखना, केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष को। इसे एक सॉवरेन लिंक्ड वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की 49% की हिस्सेदारी है। अब इस तरीके का स्टेटमेंट खूब बनाया जाता है। अब स्टेटमेंट अगर गलत कराना होगा तो एग्जामिनर देगा, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है वो 49% की है। यह अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेश मंच के रूप में कार्य करता है, यानी यहाँ पर भारत में रहने वाले जो लोग हैं, भारत की जो सरकार है, उसके साथ साथ में जो विदेशी इन्वेस्टर हैं वो भी इस राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में अपना निवेश कर सकते हैं। इसका संचालन दो अलग और आकर्षक परिसंपत्ति श्रेणी के रूप में किया जाता है। ये श्रेणियाँ हैं इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ इक्विटी। इसे एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित किया गया है। यह भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड में पंजीकृत है। तो ये भी तथ्य याद रखना है कि सेबी में ये क्या है, पंजीकृत है। इसके गवर्नर काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। ये याद रखिए, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है इसकी गवर्नर काउंसिल की? तो केंद्र के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा।
राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष के तहत कुछ प्रमुख फंड्स हैं, जिसमें मास्टर फंड है, फंड ऑफ फंड्स है, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड है, ये कुछ प्रमुख इसके फंड हैं। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं तो थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी किस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के संदर्भ में बताना है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई। दूसरा स्टेटमेंट है, यह अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेश मंच है। तो इसका कौन सा कथन सही होगा? इसका कथन सही होगा केवल दो, क्योंकि हमने बताया कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, ना कि RBI के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट पहला गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, लाल मसूर दाल की खरीद में उछाल के कारण वित्त वर्ष 2024 में भारत में दलहन का आयात 6 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। अच्छा, स्टेटमेंट बना के अब इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना, 2024 में भारत में दलहन का आयात पिछले 6 वर्षों की तुलना करें तो सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारत में दलहन का उत्पादन कम होने की वजह से लाल मसूर और पीली मटर का बड़े पैमाने पर आयात किया गया है, जिसके कारण दलहन का आयात जो है विगत 6 वर्षों की तुलना में ये सर्वोच्च रहा है 2024 में। अब भारत को बार बार दालों का आयात क्यों करना पड़ता है? भारत दुनिया भर में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, फिर भी दाल को आयात करना पड़ता है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि घरेलू बाजार में दालों की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने और इनकी कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आयात करने की जरूरत पड़ती है। कारण क्या है कि भारत में उत्पादकता तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन वहीं पर उपभोक्ता के मामले में भी भारत जो है सर्वोच्च स्तर पर है, यानी भारत में दाल सबसे ज़्यादा उगाई भी जाती है और दुनिया भर में भारत में दाल सबसे ज़्यादा खाई भी जाती है। इसके कारण क्या करना पड़ता है, भारत में दाल की जो कमी है वो निरंतर देखी जाती है। इस कारण भारत को अन्य देशों से दाल का इंपोर्ट करना पड़ता है, ताकि दालों की कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके। ऑब्वियसली मार्केट डिमांड और सप्लाई पर चलती है। अगर बाज़ार में दाल की कमी होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो जो सप्लाई है उसमें क्या हो जाएगी, उसकी सप्लाई की कीमतों में जो है वो वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण दालों की कीमतें लगातार हम देखते हैं बढ़ती भी जाती हैं। और 2024 में देखा गया है कि दलहन आधारित जो मुद्रा स्फीति है वो 17% पर पहुँच गई है। तो दाल अधिक महंगी ना हो, इसके कारण भारत सरकार जो है अन्य देशों से दाल को मंगाती है, ताकि उसकी निरंतर आपूर्ति बनी रहे और उसकी कीमतें जो हैं वो अधिक न बढ़ें। दलहन उत्पादक क्षेत्रों में कम वर्षा होने के कारण भी देश में दालों का जो उत्पादन है वो कम हुआ है। 2021-22 से 23-24 के बीच देखें तो दलहन का बुवाई क्षेत्र 16% तक कम हो गया है। तो जब इतने बड़े प्रतिशत क्षेत्र पर दाल की बुवाई नहीं की जाएगी और जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक बारिश या बहुत कम बारिश जहां पर दालें उगाई जाती हैं, तो ये सभी होगा, तो ऑब्वियसली दाल का जो उत्पादन है वो कम होगा। जब दाल का उत्पादन कम होगा और दाल की डिमांड ज़्यादा होगी तो भारत सरकार को दूसरे देशों से दाल मंगाना ही पड़ेगा, नहीं तो दाल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब दलहन की क्या स्थिति है भारत में, ये देख लेते हैं, और यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा आयातक भी है। तो ये तीनों याद रखना कि उत्पादक, उपभोक्ता और आयात, तीनों के मामले में भारत दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर आता है। दलहन उत्पादक कुछ प्रमुख राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि, ये सभी क्षेत्र जो हैं वो दाल प्रोडक्शन में शीर्ष पर आते हैं भारत में। भारत को दाल निर्यात करने वाले कुछ देश हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, ब्राजील आदि। तो इन देशों से जो है भारत दाल को इम्पोर्ट करता है। अब दलहन के बारे में देख लेते हैं, ये फलीदार फसल है, फलियों से सूखे बीज प्राप्त करने के लिए इनकी खेती की जाती है। उदाहरण के लिए अगर ये दलहनी फसल देखें तो चना, अरहर, उड़द, मूंग, ये सब कैसी हैं, ये सब दलहनी फलीदार फसलें हैं। खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाया जाता है। इस स्टेटमेंट को याद रखना कि दाल जो होती है वो खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जा सकती हैं। कुल उत्पादन में हालांकि रबी वाली जो दलहनी फसल है उसका योगदान 60% से अधिक है, यानी रबी की फसल में जो दलहन उगाई जाती है उसका जो है उत्पादकता सबसे अधिक है, उसका योगदान सबसे अधिक है, लगभग 60% से अधिक। बाकी की जो दाल होती है वो खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। अब दलहन का महत्व क्या है, आप जानते हैं कि दालों में प्रोटीन खूब पाई जाती है, तो प्रोटीन का यह प्रमुख स्रोत है। साथ ही दलहनी फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के गुण मौजूद होते हैं, इसमें उर्वरता जो है मृदा की बढ़ती है, अतः इससे कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि जो मिट्टी है वो डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करती है, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के लिए दलहनी फसलें जो होती हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसके कारण मृदा में नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसकी पूर्ति करती है और मृदा की उर्वरता को ये बढ़ाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दलहनी फसलों से जुड़े हुए और दलहन के मामलों में भारत की क्या स्थिति है, किस तरीके से भारत का आयात जो है वो दाल के मामले में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया 2024 में, उसके पीछे क्या कारण है, इन सभी के बारे में पढ़ा। और यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपके एग्रीकल्चर पोर्शन में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर UPSC या अन्य स्टेट PCS के देखेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए मिलेंगे।
अब दलहनी फसलों से जो हमने अभी न्यूज पढ़ा है इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। प्रश्न है कि दालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दलहन फलीदार फसल होती है। दूसरा स्टेटमेंट है इन्हें खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है। तो क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। दलहन फलीदार फसल भी है और इसे रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है। हमने ऊपर बताया कि रबी के मौसम में जो दलहनी फसल उगाई जाती है इसका योगदान 60% से अधिक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसका स्टेटमेंट सही, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए क्योंकि भारत जो है वो रक्षा उपकरणों के खरीद के मामले में सर्वोच्च स्थान पर आता है। तो भारत खरीद के मामले में सबसे आगे है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत जो है अब अन्य देशों को रक्षा उपकरण बेच भी रहा है। तो इससे जो है भारत का जो सिक्योरिटी सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, वो थोड़ा सा मजबूत होगा। तो ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है। ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए भारत और फिलीपींस ने 2022 में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता $375 मिलियन का था। यानी 2022 में ही भारत फिलीपींस में एक समझौता हुआ था जिस समझौते के आधार पर यह तय किया गया था भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात फिलीपींस को किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में भारत ने गुयाना को भी दो डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। इससे कैरिबियाई देशों में भी भारत के लिए रक्षा निर्यात के अवसर उत्पन्न हुए हैं। तो ये पहला मामला नहीं है कि भारत जब फिलीपींस को इस तरीके के रक्षा उपकरण दे रहा है। हाल ही में हमने पिछले दिनों में देखा कि भारत ने गुयाना को दो डोर्नियर 228 विमान सौंपे। तो ये भी याद रखना कि इस तरीके से भारत का जो रक्षा निर्यात है वो अन्य देशों में एक्सपेंस हो रहा है। उपरोक्त दोनों घटनाएं भारत से रक्षा निर्यात की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब भारत से रक्षा निर्यात के मामले में देख लेते हैं। भारत वर्तमान में लगभग 85 देशों को सैन्य हार्डवेयर निर्यात कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, इस तरीके के जो फैक्ट है वो मेंस एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं अगर डिफेंस सेक्टर से जुड़ा कोई क्वेश्चन आता है। तो वर्तमान में लगभग 85 देशों को जो है भारत सैन्य हार्डवेयर निर्यात कर रहा है। रक्षा निर्यात की प्रमुख मदों में शामिल क्या क्या है, जैसे मिसाइलें, तोपें, रॉकेट, बख्तरबंद वाहन आदि। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि भारत का जो रक्षा निर्यात है वो 2023-24 में अगर हम पिछले वर्षों की या अन्य वर्षों की तुलना करें तो वो सर्वोच्च स्तर पर रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देख लें जिस मिसाइल का जो है भारत के द्वारा फिलीपींस को निर्यात किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल, इसे भारत और रूस के बीच संयुक्त उपक्रम समझौते के तहत विकसित किया गया है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों के द्वारा बनाई गई है? तो भारत और रूस के बीच जो है संयुक्त समझौते के तहत इसको विकसित किया गया था और इसका नाम भी भारत की जो नदी ब्रह्मपुत्र है, रूस की जो मोस्कोवा नदी है, दोनों नदियों के नाम से ही इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। यह दो चरणों वाली सुपर क्रूज मिसाइल है। इस तत्व को याद रखना, आपसे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे सकता है। तो स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट भी हो सकता है कि किस तरीके की मिसाइल है। तो याद रखना, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह लगभग 2 से 3 मैक की गति से गमन करती है। क्रूज मिसाइल जेट इंजन से संचालित होती है। इस मिसाइल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है, अलग अलग प्रकार की फ्लाइट ट्रैजेक्टरी के साथ लंबी फ्लाइट रेंज लगभग 290 किलोमीटर है। भारत ने इसकी रेंज को 450 से 600 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैक्ट को याद रखना कि जो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज है उस रेंज को जो है भारत के द्वारा बढ़ाने की बात की जा रही है और ये रेंज कितनी तक बढ़ाई जाएगी, 450 किलोमीटर और 600 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय भारत के द्वारा लिया गया है ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को। ये रडार की पहुंच में बहुत कम आती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, रडार की पहुंच में बहुत कम आती है। भारत ने इसकी रेंज को बढ़ाने का निर्णय लिया और कितना निर्णय लिया ये तथ्य याद रखना। दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर ब्रह्मोस मिसाइल कार्य करती है। तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं रही हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अब ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में देख लेते हैं क्वेश्चन। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इन तीनों स्टेटमेंट में से सही है। पहला स्टेटमेंट है, इसे भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम समझौते के तहत विकसित किया। दूसरा स्टेटमेंट है, यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तीसरा स्टेटमेंट है, दागो भूल जाओ सिद्धांत पर आधारित है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में तीनों ही स्टेटमेंट सही है। भारत रूस के बीच संयुक्त उद्यम समझौते के तहत विकसित किया गया और भारत की जो नदी ब्रह्मपुत्र, रूस की मोस्कोवा नदी, दोनों नदियों के नाम को मिलाकर ही ब्रह्मोस मिसाइल इसका नाम रखा गया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, दागो भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य कर दे। सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सभी तीनों सही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ड्रैगन फ्लाई मिशन से संबंधित। नासा ने 2028 में शनि के विशाल चंद्रमा टाइटन के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। यह नासा के न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम का चौथा मिशन है, यानी इससे पहले भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत 3 मिशन को भेजा जा चुका है। तो आप बस इतना याद रखिए कि यह नासा के न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम का चौथा मिशन होगा। अब ड्रैगन फ्लाई मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो यह टाइटन के बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए, और टाइटन क्या है? तो टाइटन शनि ग्रह का एक उपग्रह है और इसी टाइटन उपग्रह के लिए जो है ड्रैगन फ्लाई मिशन को लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा 2028 में।
टाइटन के बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए उसकी सतह के कई स्थलों का अध्ययन करेगा यह मिशन। उनके रसायन विज्ञान और वहाँ रहने योग्य दशाओं का पता लगाया जाएगा। इसे जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि जो टाइटन है वहाँ पर रहा जा सकता है कि नहीं, यानी वहाँ पर निवास किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, वास योग्य है या नहीं। यह मिशन प्रक्षेपण के बाद 2034 में टाइटन तक पहुंच जाएगा। टाइटन सौरमंडल का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो सघन वायुमंडल से घिरा हुआ है और इसकी सतह पर तरल रूप से समुद्र मौजूद है, यानी वहां पर पानी की मौजूदगी देखी जाती है। सौरमंडल का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो इस तरीके की विशेषताएं रखता है, यानी वहां पर सघन वायुमंडल है और साथ ही साथ सतह पर तरल रूप में समुद्र मौजूद है, यानी वहां पर पानी की उपस्थिति है। तो ये टाइटन उपग्रह के बारे में जो विशेषता दी गई इसे देख लीजिए, ड्रैगन फ्लाई के बारे में देख लीजिए, और ये जो मिशन है इस मिशन को कब किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे नासा के न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के चौथे मिशन ड्रैगन फ्लाई मिशन का उद्देश्य क्या है। चार स्टेटमेंट हैं, चारों स्टेटमेंट में बताना है कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट है क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करना और उनमें नमूने पृथ्वी पर लाना। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के वातावरण की जांच करना। तीसरा ऑप्शन ब्रह्मांड की विस्तार दर को मापना। चौथा ऑप्शन है शनि के विशाल, चंद्रमा, टाइटन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। ड्रैगन फ्लाई मिशन का उद्देश्य क्या है, शनि का जो उपग्रह है टाइटन उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना इस ड्रैगन फ्लाई मिशन का उद्देश्य है। नासा के द्वारा 2028 में से भेजा जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसरो ने भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना रखा है। तो ये बस इतना याद रखिए कि इसरो ने कितने वर्षों तक का जो है टारगेट बनाया कि हम अंतरिक्ष मिशन जो है वो मलबा मुक्त कर देंगे 2030 तक, इसे आप लोग याद रखना। यहाँ से टारगेट बेस्ड क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, जैसे नेट जीरो का लक्ष्य भारत ने 2070 तक रखा, उसी तरीके से इसरो ने जो है मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन बनाने का लक्ष्य रखा 2030 तक। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट एरोपोर्ट अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया। हमने अपनी पिछली क्लास में इस न्यूज़ को कवर किया था, तो आई होप आप सभी इसका सही उत्तर देंगे। ऑप्शन है कंबेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है राजीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये चारों ऑप्शन को देख लीजिए और बताइए कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं। तो यहीं आज की करंट अफेयर्स की क्लास खत्म होती है, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास से संबंधित कोई भी सुझाव हो, कोई बात हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी क्लासेज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो उन्हें लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, आपकी जिम्मेदारी है ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी बेहतर इन क्लासेस को करने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद। जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इलेक्शन चल रहे हैं, वोट डालने अपना जरूर जाएं, क्योंकि वोट जो है आपका अधिकार है। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।